So welcome to episode 4 of Second Last Supper. In this week's episode, we have Vipul Goyal with us. Vipul is a stand-up comedian and a writer. आपने इनके बहुत सारे videos YouTube पे देखे होंगे and currently is experimenting a lot with Zoom also. इन्होंने Zoom पे live shows करना चालू किए और वो उसकी snippets अपने YouTube channel पे डालते हैं which is extremely, extremely good. And आपने Vipul का एक show भी देखा होगा which is Humorously Oz by TVF. So, Vipul के साथ मेरी बहुत ही funny and unfiltered conversation हुई थी and where I asked him all the questions I had about the process of writing jokes and the world of comedy. Interestingly, video में एक मेरे through error हुआ था बीच में but thanks to Vipul and his improvisation, उन्होंने उस चीज़ को handle कर लिया था. आपको video पूरा देखना पड़ेगा to understand what I'm talking about. So, let's jump inside the conversation I had with Vipul Goyal for the episode 4 of Second Last Supper. So, hi Vipul, kya hal chal? Thank you so much for doing this. नहीं यार वैभव, thanks for inviting me. मैं खाली बैठा था वैसे. अभी IPL की वजह से वैसे भी shows में लोग कम आ रहे हैं. अच्छा. तो मैंने बोला एक दो interview कर भी दिए जाए वैसे. अच्छा, तो मैं ये सोच रहा था कि यार काफ़ी टाइम से, मतलब मैंने तो जब मैं TVF में लाइक इंटर्नशिप भी की थी 2014-15 में, मेरे को जो पहला प्रोजेक्ट मिला था ना वो आपका एक वीडियो एडिट करने का मिला था, आपको याद है ये? लेकिन 2014-15 की बात है. लाइक मैं जब सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में था तो मेरे को एक प्रोजेक्ट दिया था कि आपके जितने भी लाइव शोज है उनके एक कंपाइलेशन बना. वो मैंने बनाया था एकदम, बहुत पुरानी बात. कौन सी वाली? वो फाइनली अपलोड हुआ कि नहीं हुआ? वो फाइनली शायद हुआ नहीं था. मैंने तो बनाया था, सबको पसंद भी आया था, पता नहीं अपलोड क्यों नहीं हुआ. इसलिए तुझे शायद इंटर्नशिप से फुल टाइम नहीं किया. काफी सही. तो आप मेरे को एक चीज बताओ कि मैंने क्योंकि काफी क्लोजली देखा है आप जो भी पिछले कुछ सालों से कर रहे हो, आपके चैनल पे पिछला 5 साल में जो कंटेंट है उतना कंटेंट पिछले 6 महीने में आ गया है. तो ये क्या क्या नई साइड है आपकी? लाइक टेल अस अबाउट दिस. तो यार पहले तो ये था कि मैं अपने चैनल पे अपलोड नहीं करता था क्योंकि हमने जब ह्यूमरसली और सीजन 1 किया TVF के साथ तो उसमें सारे स्टैंडअप्स थे, तो वो TVF के IP है तो वो TVF के चैनल से जा रहे थे. हाँ. फिर सीजन 2 शूट हो गया और वो डिले ही होता जा रहा है, डिले ही होता जा रहा है रिलीज होने में. हाँ. मतलब शूट होने के 1 साल 1.5 साल बाद रिलीज हुआ. अब मैं स्टैंडअप्स, उसमें भी मेरे 4-5 स्टैंडअप्स जा रहे थे, मतलब 30 मिनट्स ऑफ कंटेंट. तो मैं और भी कंटेंट डाल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यार वो रिलीज होंगे. हाँ. नया कहाँ से बनेगा. फिर मेरे को लगा यार कि TVF इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, मेरे को अपनी एक इंडिविजुअल चैनल जो मेरा पहले से था, 5 साल से इनएक्टिव पड़ा था क्योंकि मैं TVF चैनल पे डाल रहा था, तो मुझे अक्कल आई कि भाई यहाँ पे डालना पड़ेगा ताकि आप भी रेलिवेंट रहोगे. TVF तो बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उसके 100 काम होते हैं, कोई तुम्हारे लिए नहीं है वो. तो फिर मैंने धीरे धीरे अपने चैनल पर डालना चालू किया, देन आई शो अ चेंज. काफी लोग वापस आने लगे कि भाई, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता था कि विपुल का कंटेंट कहाँ मिलेगा. राइट. अब TVF चैनल पे मिलेगा, इसके चैनल पे मिलेगा, और TVF चैनल पे जाओ तो वहां पे 1000 वीडियोस है, इसमें अब इसके 2-3 वीडियोस कहाँ से ढूंढे. राइट. एक तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार अपना चैनल आपको एक्टिव रखना पड़ेगा, अपना ब्रांड आपके पास है, तो इसलिए मैंने चालू किया. फिर सेकेंडली अभी 6 महीने में इसलिए ज्यादा आ गया, तो ये तो 1 साल पहले से स्टार्ट हुआ चैनल. हाँ. मैंने एक्टिव किया, 4-5 स्टैंडअप्स डाले, और मार्च से ये हुआ यार कि लॉकडाउन आ गया. हाँ. और अब लॉकडाउन आ गया और हमारे पास कुछ काम नहीं है. पहले 1 महीना तो एंजॉय किया कि चलो छुट्टी है, वेल डिजर्व्ड ब्रेक, भगवान ने सही किया, डिवाइन इंटरवेंशन है चाइना का. इतनी ट्रैवलिंग कर करके पक चुके थे, डार्क सर्कल्स और नींद पूरी नहीं हो रही, चलो ये तो बढ़िया चीज है. फिर 1 महीने बाद में पता चला भाई ये तो लंबा गेम चलने वाला है. और फिर महीने की 5 तारीख को मेरे को ईमेल आ गया बैंक से कि EMI किधर है. हाँ. मैंने बोला अच्छा भाई EMI तो चलती रहेगी. हाँ. फिर पता चला यार जूम पे शोज होंगे, या फिर जूम पे शो स्टार्ट करने के, तो वहां ये प्रॉब्लम आ रही है कि यार लोगों को पता ही नहीं कि जूम पे शो हो रहे हैं. आप ऑडियंस को बताओगे कैसे? तो ऑडियंस को बताने के लिए यूट्यूब पे कुछ वीडियो डालना पड़ेगा. राइट. और एंड में आप स्लाइड डालोगे कि ये शोज है तो ऑडियंस देखेगी, अरे हाँ यार देखते हैं यार क्या है. राइट. अब करेगी आप 1 साल तक तो क्लियर हो गया कि कई शो होने नहीं वाले हैं फुल फ्लेज. तो यार फिर मेरे को एक आइडिया आया कि रैंट्स करके मैंने डाला कि जो मेरे स्टैंड अप थॉट्स थे, लेकिन अब स्टेज नहीं मिल रहा है, तो मैंने सोचा यार मैं एज एन एंग्री पर्सन इनटू द कैमरा देखे एक डालता हूँ. और वो काफी लॉकडाउन रिलेटेड जोक्स थे, तो मुझे पता था कि यार 1 साल बाद तो वो जोक्स आउटडेटेड हो जाएंगे जब अगले मार्च में शुरू होगा, तब तक तो ये जोक्स स्टेल हो गए, तो इस जोक्स की वैल्यू अभी है कि अभी पहुंचे लोगों पे और अभी मैं कुछ शूट नहीं कर सकता. तो मैंने जनरली एक वीडियो चाइना वाला पहले डाला गुस्से में और उस पर अच्छा ट्रैक्शन मिल गया, तो मेरे को लगा यार ये सही है. फिर मैंने 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, और लोगों को भी मजा आ रहा है कि यार वो भी खाली बैठे
और लोगों को ऐसे लग रहा है कि हमारी फ्रस्ट्रेशन इस बंदे के थ्रू निकल रही है। तो राइट राइट मुझे लगा है बढ़िया सही हो गया, मेरा कैरेक्टर भी बन गया आके। तो उससे हुआ मैंने एंड में स्लाइड डालने लगा यूट्यूब की शोज की, फिर लोग जूम पे शो पे आने लगे। तो मुझे लगा यार ये पूरा सही कनेक्ट हो गया कि यहाँ पे आप कुछ डालोगे उसकी वजह से लोग जूम पे आएंगे, वहां पे शो होगा, फिर वहां से। तो बेसिकली इट वॉज लाइक अ मार्केटिंग टूल फॉर मी। तो इसी तरह 8 रेंट्स हो गए, फिर मैंने जूम शोज इतने रिकॉर्ड किए, फिर मैंने वो भी डालना चालू किया। उससे क्या होगा कि पहले लोगों को लगता था यार इसके स्टैंडअप्स तो फनी है, लेकिन जूम शो पे पता नहीं फनी होगा नहीं होगा, अलग मीडियम है, वो फील आएगी नहीं आएगी, जो कि रेलेवेंट है। आज मैं भी यार आमिर खान शाहरुख खान का फैन हूँ, लेकिन मैं उनकी पिक्चर देखने के लिए 3 रिव्यू पढ़ता हूँ। हाँ। आमिर शाहरुख जिन्होंने मुझे 20 साल एंटरटेन किया, उनको भी मेरे को 30 रुपए देने के पहले 3 रिव्यू पढ़ता हूँ मैं राइट कि कैसे है। तो यार मैं तो बहुत छोटे लेवल पर, तो लोग डेफिनेटली यार मैं 5 रुपए की टिकट लोग डेफिनेटली देखना चाहेंगे कि यार वेस्ट ऑफ मनी तो नहीं है। हाँ और एक बार पैसे गए तो गए, वो तो फिर रेस्टोरेंट की तरह भी खाना खराब निकला जाके दे दो ट्विटर पे रिव्यू, पैसे थोड़ी मिलेंगे। हाँ बट फिर जैसे जूम शो डालने शुरू किए तो लोगों को लगा अरे यही तो हम देखने वाले हैं। तो इट इट वॉज काइंड ऑफ लाइक टीजर कि यार इसी शो में जाना, और इसी शो के ऐसे 5 मिनट का वीडियो डाला है और अगर मुझे फनी लग रहा है तो वो इन हो गया। पहले लोग रैंट भी देख के लोग ट्रस्ट पे आते थे कि नहीं यार फनी होगा यार, इसने मुझे राइट हंसाया है लॉकडाउन में। तो यार अभी ये सिस्टम वैसे ही चल गया, और अभी भी मार्च तक ये चलाना है मुझे, क्योंकि मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि यार मार्च तक एज ए फुल फ्लेज्ड बड़े शोज लाइव स्टेज वाले नहीं होने मार्च वाले। के बाद क्या हो रहा है एग्जैक्टली? अप्रैल में क्या वैक्सीन आ रही है या क्या मतलब? यार अप्रैल में वैक्सीन नहीं आ रही, लेकिन मैं हर महीने ऐसे ही बैठता हूँ कि भगवान इस महीने के टिकट बिक जाए। तो अच्छा मैं अगले, अब मुझे लग रहा है कि मार्च तक ये हो पाएगा, उसके बाद देखेंगे यार क्या सीन होता है। क्योंकि ये भी ऐसा ना कि अभी मैं घर के बाहर इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जूम पे टिकट्स बिक रहे हैं, एक इकोसिस्टम बन हाँ गया मेरा, कुछ डाला लोग देखा आया, 1 महीना निकल गया, फिर 1 महीना निकल गया। अब जब मैं 2 महीने खाली बैठूंगा कि लोग नहीं आ रहे हैं, तो फिर वापस अडेप्ट करेंगे। जो मैंने एक लॉकडाउन कोरोना से एक चीज जो सीखी वो अडेप्टेबिलिटी बिल्कुल है ना। हम लाइव शो करते थे, मैंने रेंट डाले विदाउट ऑडियंस इनटू द कैमरा, वो चले, फिर मैंने जूम शो के डाले है ना कि लोग बैठे, उसमें भी लोगों को मजा आया। तो यार इट इज क्या आप, और थोड़ा थोड़ा आपको फॉर्मेट से अडेप्ट करना पड़ता है। तो जो मैंने एक चीज रियलाइज की है पैंडेमिक में, एक तो कुछ भी प्लान मत करो, आपको नहीं पता अगला वीक क्या होने वाला है, आपके जान पहचान में किसी को कोरोना हो सकता है, आपके दोस्त को हो सकता है, सारे प्लान्स आपके वैसे वैसे रह जाएंगे। दूसरा अडेप्ट करना पड़ेगा आपको, और तीसरा मैंने ह्यूमिलिटी सीखी यार एज एन आर्टिस्ट, जो मैंने लॉकडाउन में ह्यूमिलिटी सीखी जूम शोज करके। क्योंकि क्या होता है नॉर्मली जब हम स्टेज शोज करते हैं ना, तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहता है, मेरे पास ही माइक है, ऑडियंस के पास माइक नहीं है, तो आप आपस में क्रॉस टॉक भी करोगे किसी को सुनाई नहीं देगा। कोई ज्यादा बदतमीजी कर रहा है तो बाउंसर को बोला भाई इसको बाहर निकालो, ये और स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहे हैं, मस्त शो चल रहे, तो फुल ईगो में ही है। जब ये जूम शो स्टार्ट किए तो मुझे ह्यूमिलिटी आ गई एज एन आर्टिस्ट, वो ईगो खत्म हो गया कि मुझे को ये रियलाइज हुआ यार कि मेरा टैलेंट तो 4th लेवल पे। मैं जूम शो ऐसे बैठता हूँ हाथ जोड़ के, भगवान प्लीज इंटरनेट बीच में नहीं रुक जाए, है ना। तो मैं अपने हैते वाले को मेरे स्पीड डायल पे मैं उससे रोज बात करता हूँ, मतलब वो ऐसे वाला सोच रहा है ऐसे मुझे कभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, हर 7 दिन में कॉल करता है जैसे, और वो वाली रिस्पेक्ट के शायद वैक्सीन यही लाने वाले हैं। मेरा है तो ब्रॉडबैंड ही वैक्सीन लाने वाला है कि भाई इंटरनेट खराब नहीं होना चाहिए, सर स्पीड सही है, मेरे को मैक्सिमम प्लान दो, ये लो पैसे। दूसरा पहले तो इंटरनेट, दूसरा लगता है भगवान वॉइस खराब नहीं हो जाए, कि साउंड पहुंच रही या नहीं पहुंच रही, साउंड लैग नहीं हो जाए। तीसरा क्योंकि अब आप लोगों ने पैसे दिए तो आप सबको म्यूट नहीं कर सकते, आप सिर्फ वो बोल सकते हो कि प्लीज अपने यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो तो अपनी विंडो म्यूट कर देना, लेकिन क्योंकि मैं सबको म्यूट कर दूंगा तो लाफ्टर ही सुनाई नहीं लाफ्टर देगा भी यार, आएगा। तो मैं फिर से कंफ्यूज रहूंगा कि इंटरनेट तो हैंग नहीं हो गया, मेरा साउंड तो पहुंच रहा है। राइट तो फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हो कि प्लीज आप क्रॉस टॉक मत करना, कोई भी डिस्टर्बेंस हो तो म्यूट कर देना हमें। मैं कॉमेडी पहले जब निकला था कि मुझे देश की कॉमेडी बदलनी है, इंडिया को मैप पे लाना है, उस ईगो से करते थे, देश सुधार रहा है, अभी मेरी जूम शो पे मेरी लड़ाई हो रही है पाद डकार कि यार कोई पंच लाइन के पहले घास देता है, कोई उठ जाता है तो ये आवाज, तो यार इतना वो होता है कि भगवान प्लीज कोई इंटरप्टिव ऑडियंस मेंबर नहीं मिले, कई बार ऑडियंस मेंबर आपस में बात करते रहते हैं, या उनको पता नहीं ऑडियो ऑन है, फोन उठा लिया, फोन पे बात करने लग गए, या शो चल रहा है और साइड में आईपीएल मैच चला दिया। तो तीसरा लेवल ये कि भगवान कोई इंटरप्टिव ऑडियंस मेंबर नहीं मिले, सब शांति से बैठे। चौथे लेवल पे मेरा टैलेंट आता है जोक्स। तो मुझे ये रियलाइज हुआ जैसे बोलते हैं ना यूनिवर्स में आपको पता चलता है जब आप मून पे जाते हो कि आप मैटर ही नहीं करते, आप दिखते ही नहीं हो, तो ये जो आपके प्रॉब्लम्स है लाइफ के कि मेरे को इसने ये बोल दिया, यूट्यूब कमेंट पे गाली दे दी, जो आपको फ्यूटिलिटी ऑफ योर एग्जिस्टेंस,
वो मुझे जूम शो से रिलाइज हुआ कि मेरा टैलेंट फोर्थ लेवल पे है, अब मेरे जोक्स है, इंटरनेट साउंड नॉन इंटरप्टिव ऑडियंस मेंबर, अब जोक्स है. तो इतना एट द मर्सी ऑफ द ऑडियंस आप हो, तो वो ह्यूमिलिटी आ गई कि यार थैंक गॉड आई एम एबल टू डू दिस जॉब, के लोग आ रहे हैं. एक अच्छी बात है क्योंकि लोगों ने भी 600 रुपए दिए होते टिकट के, तो वो वेल बिहेव्ड रहते. राइट. इंडिया में ये है ना कि लोगों ने पैसे दे दिए, फिर वो लगता है आप तमीज से सुनते हैं. हाँ, यार पैसे लॉस तो हमारा ही है. तो यार ये ह्यूमिलिटी मेरे को बड़ी आ गई कि अब मैं ग्रांटेड नहीं लेता हूँ. और मैंने ये रियलाइज किया कि लव फॉर योर क्राफ्ट, कि मेरा स्टैंड अप के प्रति कितना प्यार था या मेरे फेम एंड मनी के प्रति कितना प्यार था. ये बिल्कुल क्लियर हो गया. क्योंकि यार एक महीना खाली बैठे, लेकिन एक महीने के बाद ना, पहले हमने जब जूम शो स्टार्ट किया 20-20 लोग लेके करते थे यार, 20 लोग में आपके 5,000 रुपए ही बन रहे. लेकिन इतना मजा आ रहा था कि यार मैं एक महीना खाली बैठा था, मैंने कुछ नहीं कर पाया. एटलीस्ट दैट साउंड ऑफ लाफ्टर जो मुझे मिला, और वो खुशी हुई कि चलो एक नया जोक टेस्ट हुआ, ऑडियंस हंस रही है. तो यार मेरा ये बड़ा क्लियर हो गया कि आई एम नॉट आफ्टर फेम एंड मनी, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. बट आज भी मुझे एक नए जोक पे जो लाफ मिलता है वो उतना ही एक्साइट करता है जो मुझे 10 साल पहले करता था. तो यार ये लॉकडाउन में मुझे बड़ा रियलाइज हुआ प्रोफेशनली. पर मैंने एक और चीज़ नोटिस की है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कि मैं जैसे लाइक ओवर द इयर्स आपके भी जोक्स देख रहा था, आपका कंटेंट एक्चुअली अब इतना फ्रेश लगता है. बिकॉज जैसे मैं कॉमेडियंस का देखता हूँ, एक होते हैं जो लाइक ईयर टू ईयर जो चीज़ वर्क करी है उसे रिपीट करते हैं और 20-20% 30-30% एडिशंस करते जाते हैं. पर अभी मैं आपके जितना भी कॉन्टेंट देख रहा हूँ, मतलब हर बार लगता है कि यार ये तो मैंने सुना ही नहीं है. क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मेरे को पता होता था कि आप ये वाला जोक तो मतलब एक बार लाओगे, क्योंकि जब मैं ओवर द ईयर सुन रहा हूँ. तो वो कैसे डिफरेंस आया, लेकिन देयर इज सो मच फ्रेशनेस इन योर कंटेंट सडनली. यार बेसिकली वो ये था ना कि पहले कंटेंट ही बहुत कम डालते थे. मैं मुश्किल से साल की 3 वीडियो डालता था. अभी तू तो टीवीएफ में रहा हुआ है, तो शायद वहां पे कुछ जोक्स बाउंस भी किए हो के तूने वीडियो में नहीं सुने, लेकिन तूने उस जोक्स को बनते हुए प्रोसेस में सुन लिए. मैंने सुन लिए. तो तेरे लिए वो वैसी स्टेनलेस हो गई, तो मैंने 5 साल पहले भी सुना था. हाँ. है ना. लेकिन वो जब तक वीडियो में नहीं आता, तो क्या होता है, जब तक एक स्टैंड अप आर्टिस्ट, जब हम वीडियो रिलीज कर देते ना, मतलब अब मैं वो कंटेंट रिटायर कर चुका हूँ. okay. अब मैं वो लाइव शो में नहीं करूंगा, वो मैंने एज अ मार्केटिंग वो दे दिया कि भाई मेरे सिस्टम से फ्लश आउट हो चुका है वो कंटेंट. मैंने इसको जितना निचोड़ना था निचोड़ चुका हूँ 2 साल, अब मैंने इसको रिलीज कर दिया, अब मैं अगले कंटेंट पे जा रहा हूँ. तो यार एक तो ये, दूसरा मैं बहुत आलसी आदमी हूँ. मेरा लाइफ में ये है कि यार अगर मैंने मेहनत करके चुटकुला लिखा है, तो वो चुटकुला 10 साल बाद क्या वैलिड है. अगर मुझे लगता है उसकी शेल्फ लाइफ ही अगर 10 महीने की है, कि भाई आज एक कंट्रोवर्सी हुई, तो मैं 3 महीने उस कंट्रोवर्सी पे जोक्स बनाऊंगा तो मजा आएगा बहुत, क्योंकि वो रेलेवेंट है. लेकिन अभी कंगना का ऑफिस थोड़ा शिवसेना में, उस पर जोक बनाऊंगा तो वो मजा आएगा क्योंकि रेलेवेंट है. लेकिन फरवरी में वो जोक आउटडेटेड है. राइट. आप सोचोगे उसके बाद तो शिवसेना ने और कितने ऑफिस तोड़ दिए, कंगना भी अटका हुआ अभी तक ना. उसने अर्नब का भी तोड़ दिया, वो भी तोड़ दिया. तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉपिकल ह्यूमर. ये न्यूज फॉर्मेट में अच्छा चलता है, कि जहाँ पे आप हर 7 दिन में कुछ डाल रहे हो न्यूज फॉर्मेट टाइप्स. लेकिन ये 5-6 महीने बाद आपको जोक लगेगा कि क्या यार इतना पुराना कंट्रोवर्सी. जैसे आज की तारीख में मैं मनमोहन सिंह करूंगा तो आप पिस ऑफ हो जाओगे ना. एग्जैक्टली. मनमोहन सिंह छोड़ मैं राहुल गांधी जोक भी करूंगा तो लोगों को लगेगा यार व्हाट्सएप पे चल रहे 5 महीने साल से यार. ये क्या अभी भी राहुल है ना. तो मेरा ये होता है कि टॉपिकल ह्यूमर नहीं होना चाहिए. क्या ये जोक लाइट चलेगी वैभव, ये देखो इंटरव्यू और इंटरव्यू लेने आए और यहीं की लाइट ही चलेगी, बताओ है. राजस्थान में बैठे हैं, जयपुर में, ये देखो इतना डार्क. ये तो तैयारी आजकल के इंटरव्यूअर्स की, देख लो. हाँ हाँ हाँ. हेलो हेलो चेक 1-2 आ रहा है मेरा. हाँ मेरा, एक सेकंड, ये मेरे को सब कुछ सही करना पड़ेगा, एक मिनट. थोड़ा नीचे बैठ जा तू या तो. हाँ ना, ऐसा कर लेते हैं. हाँ ये सही है, सही बैठ जा आराम से ग्राउंड में. लोग जब शोज में आते हैं आपके, वो विपुल गोयल को देखने आते हैं या विपुल गोयल का एक्ट देखने आते हैं? व्हाई डू दे कम टू द शोज? यार देखो मेनली मैंने 1 साल तक सच मेरा कुछ कैरेक्टर स्टेज का था नहीं. हाँ. ऐसा था कि बंदा आता है, अच्छे जोक्स लिखता है, अच्छे जोक्स सुनाता है और करके जाता है.
लेकिन अभी पिछले एक साल से थोड़ा मैं वो भी एड्रेस करता हूँ कि मेरी पब्लिक इमेज में मैं दारू के फोटो डालता था, लोगों को लगा है हाँ बेवड़ा है, तो मैं उसको 4-5 जोक्स दे लेता हूँ फिर कुछ। तो अभी लोग मेरे ख्याल से स्टैंड अप में इट इज बोथ परफॉर्मेंस, राइटिंग एंड परफॉर्मेंस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस द दोनों, जिसके पर्सनल लोग ब्रांड आल्सो। पर्सनल ब्रांड और प्लस लोगों को ये तो पता है ना, हर कॉमेडियन की बेस्ट पार्ट ये होती है कि यूनिक होता है वो, उसका एक अपने बोलने का रिदम है, एक बोलने का वो है, हाँ एक रिदम है, एक स्टाइल में बोलता है, और उसके ये थॉट्स होते हैं। प्लस काफी लोग इसलिए अट्रैक्ट होते हैं कि मेरा IIT बॉम्बे का बैकग्राउंड है, तो इंजीनियर्स हाँ उस तरह से अट्रैक्ट होते हैं कि यार ये हमारी बात करेगा, हमें पहचानता होगा। फिर एक मारवाड़ी टैग है, तो मारवाड़ी लोग ऐसे आते हैं कि अरे अपना बंदा है, तो आई थिंक पीपल एसोसिएट टैग्स विद यू। फिर अगर मैं शादीशुदा भी हूँ तो शायद कुछ मैरिड लोग आते हैं कि हमारे काम का भी ह्यूमर होगा, पर इसको आप भी तो एक्सप्लॉइट आई करते होगे थिंक ना, जैसे आपने पहली बार ओल्ड मॉन्क की फोटो डाली तो आपको लगा रही है तो वर्क कर गई, तो फिर आप टाइम टू टाइम डालते रहते होगे वो, क्योंकि आपको पता है वो वर्क कर रहा है। हाँ। तो वही तो मैंने रिलैक्स किया, मैं डालता गया लाइक करा, फिर मैं सडनली मैंने देखा कि यार लोग मुझे बेवड़ा और अल्कोहलिक समझ रहे हैं यार, और मैं रियल लाइफ में महीने में मुश्किल से 2 बार पीता हूँ यार, वो भी 2 पैक। हाँ मेरा पिछले 10 साल से कैपेसिटी 2 पैक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, मैं अभी भी दो हाँ पैक में मस्त जुम जाता हूँ, तो मेरा उतना ही है हाँ ना। लेकिन लोग अलग ही मेरे को रोज अपने दारू पीते हुए फोटो खींच के भेज देते हैं इंस्टा पे, और अब हाँ मैंने बोला यार ये डैमेज अब हो चुका है, और लोगों को मजा आता है कि सही ये, है सही है। तो मैंने सोचा कि यार लोग जो भी समझ के टिकट खरीदे हाँ मेरे को चलेगा, एक बार शो में आ गए उसके बाद तो वो 1.5 घंटे का एक्ट है कि मैं क्या कर रहा हूँ स्टेज पे, वो पसंद आ रहा नहीं आ रहा। तो फिर मैंने सोच लिया यार कि जो बोलते हैं ना एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, कि लोगों को जो मानना है वो वही मानेंगे, कि लोगों को यही मस्ती आती है कि नहीं ये बेवड़ा है दारू पीता है, तो वो उसी में खुश है, तो ठीक है यार वो मैं स्टेज पे आके, तो तो ऐसे और क्या क्या ठीक है। ट्रेड्स हैं आपके, जैसे आपकी ऑडियंस को पता है कि आपका ये अल्कोहल वाला बन गया, आपको IPL बहुत पसंद है, आपको प्रीटी जिंटा बहुत पसंद है, तो ऐसे क्या क्या ट्रेड्स यार लोगों को और ऐसे उन्होंने ढूंढे हुए हैं जिसपे आप भी खेलते हो? मैं मेजरली तो खेलता कंटेंट पे ही हूँ, अपने क्वालिटी हाँ ऑफ जोक्स पे ही खेलता हूँ, ये सिर्फ एड ऑन्स है, हाँ ये ये मैं एड ऑन नहीं से भी एग्जैक्टली करूंगा, ये मैं, ये वही बात है कि मेरा शो 100% है, ये एड ऑन से 110% हो जाएगा, ये 10% इट इज जस्ट प्लेइंग टू द फैंस, कि चलो वो चाहते हैं कि इस वक्त ये मैं लाइन बोलूं कि आग लगी मस्ती में विपुल भैया मस्ती में, तो मैं तो आप उस मैं मोमेंट में बोल दोगे। बोलूंगा जस्ट फॉर द फैन अपीजमेंट, कि चलो ठीक है यार ये ले लो, तुम्हें ये मेरे मुंह से सुनना था ना इस वक्त, हाँ तो ये लो, लेकिन वो मैं नहीं भी बोलूंगा तो मेरे एक्ट या मेरे शो में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं फर्क हो नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ वो आपको भी लगता है ना कि यार बेचारे 800-1000 रुपए देके आए, और वो चाहते इस वक्त बोले और मैं बोल रहा हूँ, और वो अप्रोर अप्लॉज भी दे रहे हैं, अगर मैं वो लाइन बोलूँ और वो पिन ड्रॉप साइलेंट है, हाँ तो मुझे प्रॉब्लम होगी कि यार ये क्या मेरे को चुतिया बना रहे हो यार, मैंने हाँ तुम्हारे लाइन बोली और तुमने राइट फिर मुझे अप्लॉज भी नहीं दिया। और कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना कि शो में, कि अभी आग लगी बस्ती में ये वाला बड़ा फेमस है, एक मोमेंट आता है शो में जहां पे मैं एक कश्मीर वाला जोक आता फेमस है कि औकात है तो हाँ खरीद लो, तो कई बार अभी शो में वो जोक नहीं हो चलता हो, कई बार ऐसे मोमेंट होता है तो मैं बोल मैं दिया, तो जनता को और इसने वो लाइन बोल दी, तो हाँ वो लाइव एलिमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, लेकिन दैट जस्ट एड्स ऑन के वो है, लेकिन वो नहीं भी होंगे तो मेरे एक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इट इज जस्ट दैट के वो जो क्या होता है ना कि आपके ऑडियंस में हमेशा 20% हार्डकोर फैन बेस होता है जो आपको पिछले 8 साल से फॉलो कर रहे हैं, बाकी लोग जुड़ रहे हैं अलग अलग टाइम पे, कोई 1 साल पहले जुड़ा है ना, लोग जब डिस्कवर करते हैं उसे आपसे जुड़ते हैं, लेकिन जो पुराने होते हैं ना लोग, फिर उनके लिए थोड़ा सा आप कई बार शो के बाद रिक्वेस्ट आती है Q&A में कि विपुल भैया एक बार वोला बोल दो लाइन, रंजीत वालिया स्पीकिंग बोल दो, तो फिर बोलना है यार, फिर वो ठीक है यार क्या दिक्कत है, तो राइट वो, राइट लेकिन माई एक्ट इज नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन दैट। तो आपका जो एक्ट है लाइक, ये भी मैं जैसे जितना मैं कॉमेडियंस को मैं देखता हूँ, सो आर यू अ कॉमेडियन हु टेल्स जोक्स और आर यू द पर्सन हु टॉक्स अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस और वहाँ जोक निकल जाता है? 3 साल पहले तक मैं जोक्स मैन्युफैक्चर करता था, कि मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप पे बैठ के लिख रहा हूँ, मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ कि मॉल पे कुछ जोक्स लिखने, तो मॉल में जाके थियोब्रोमा में बैठ गया दिन भर लैपटॉप लेके, कॉफी ऑर्डर करते रहो, और यार अच्छा शॉपिंग में कुछ लोग ये करते हैं, वो ऐसे बहुत ऐसे लगता था मैं फिर से नौकरी करने लग गया हूँ, कि मेरे को एक असाइनमेंट मिला है, तो वो जो जॉय जा रहा था मुझे लग रहा था ये क्या हो रहा है यार, तो मैंने क्या किया कि यार आई विल जस्ट एड्रेस व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ, तो मैं वैसे भी IPL देखता हूँ, वो मेरे कैलेंडर का 1.5 महीना IPL रिलीजियसली फॉलो करता हूँ, और मेरा तो 10 साल से बिलीफ है कि IPL समर में भी होना चाहिए विंटर में भी होना चाहिए, है ना, रेनी सीजन में नहीं कर सकते क्योंकि डकवर्थ लुईस पुरेश टूर्नामेंट की मावेन कर देगा, ठीक है, लेकिन इस बार IPL अभी हुआ, अभी अक्टूबर नवंबर खत्म होगा, और
और अगला आईपीएल फिर से है, स्केड्यूल मार्च में शुरू होगा, तो मेरा एक तो वो सपना पूरा हो रहा है चाइना की वजह से, ठीक है। तो मेरा ये क्या, मैं आईपीएल वैसे भी अपने लाइफ के 1.5 महीने में देखता हूँ रिलीजियसली, और मैं तो अगर मैं वहीं से कुछ जो मुझे मेरे हिंदी कमेंटेटर्स को लेके जो मेरे व्यूज है ना, अगर मैं वो वहीं से उठाऊं, और तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मैं वैसे भी देखता हूँ ऑब्जर्वेशन से, फिर उसमें मुझे क्राफ्ट लगानी पड़ेगी, अब पंचलाइन ढूंढनी पड़ेगी कि भाई प्रीति जिंटा बबली रहती है वो हम सबको पता है exactly. लेकिन अब क्राफ्ट लानी पड़ेगी इसमें पंचलाइन क्या है ना। आकाश चोपड़ा हिंदी कॉमेंट्री घटिया करते हैं सबको पता है ना, वो अच्छा इमोशन है, इट्स अ गुड प्रेमिस, लेकिन अब क्राफ्ट से उसको पंचलाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरे को एक तो जो आपका एक जो बहुत पसंद है जो आप करते हो, एक नाम लिख देते हो तो फिर केदार जाधव का क्या करना है वो बहुत मेरे को बड़ी लगता है कि इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। वो उसकी उसका क्या ओरिजिन था, उसका ओरिजिन ये था कि मैंने वो जो पहला रन डाला था चाइना और कोरोना, उसका नाम ही था वीडियो का, तो फिर ये चाइना का करना क्या है, क्योंकि हर लोग गुस्से में बैठे थे कि इस हरामी चाइनीज चाइना की वजह से सबको घर पे बैठना पड़ रहा है, और उन लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा था कि जो कि जेन है बेचारे कि चलो नॉनवेज वालों को ये तो है कि तुमने बैट नहीं खाया लेकिन बाकी जानवर तो खा रहे थे, जैन वाले बोल रहे थे हम तो प्याज भी नहीं खा रहे थे यार, हमें किस बात की सजा मिल रही है, ना तो वो जो एक था, तो फिर चाइना का करना क्या, तो ये बहुत हिट हो गया। हाँ, ये काफी सही है कि उसकी टी शर्ट भी निकालना। फिर मैंने नोटिस किया कि लोग मुझे टैग करने लगे कई बार ना, कि कुछ भी कॉन्ट्रोवर्सी होती है सर तो फिर रवि शास्त्री का क्या करना तो कई बार क्या होता है कि लोग आपको ट्वीट में टैग करते हैं, तो ये कल्ट बन रहा है, मतलब तो कल्ट बन तो अभी मैं कोई भी तो अभी कुछ भी होता है तो मैं जो भी गंदा खेलता है तो फिर केदार जाधव का क्या करना है, और रीट्वीट्स मिलते हैं बढ़िया, और लोगों के कमेंट्स भी आते हैं खूब सारे कि ये कर दो वो कर दो। तो अभी मैंने एक ऐसी डाल दिया मस्ती में, मुझे पता है वैक्सीन ही आने वाली है 2-3 साल तक, मैंने ऐसी डाल दिया तो फिर ये साइंटिस्टों का क्या करना है, 1 साल हो गया तो वो लोगों का मजा आ रहा है, तो बेसिकली तो इसका क्या करना है, कुछ भी डाल दो। तो आप ट्विटर को एज अ कॉमेडियन कितना इम्पोर्टेंट समझते हो, कि मतलब अगर आपने ट्विटर पे एक जोक डाला वो वर्क कर गया, क्या आप उसे यूट्यूब पे डालोगे या ये मिक्स नहीं है कि ट्विटर का अलग ही है? यार वो डिपेंड करता है, ट्विटर पे इज मोस्टली टॉपिकल। आज ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई, आज आपने जोक मारा, अब मैं वीडियो जब बनाऊंगा उसको शो में यूज करूंगा, वीडियो डालूंगा, उसमें 6 महीने का डील हो जाता है तो वो आउटडेटेड हो गया। तो ट्विटर के जोक्स बहुत मुश्किल से 5% यूज हो पाते हैं, जो कि अगर कोई नेपोटिज्म पे जोक मारा तो वो कभी भी यूज हो सकता है। चाइना पे डाला तो चलो चाइना और कोरोना 6 महीने की है विंडो, तो अगर मैंने फर्स्ट मंथ डाला है तो मैं वीडियो करके भी 6 महीने तक वो जोक टिका सकता हूँ। राइट, ट्विटर पे नेसेसरी होता है कि आप ट्विटर पे टॉपिकल जोक्स करते हो जो कि आप शो में यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन वो टॉपिकलिटी वैसे लोग फॉलो करते हैं फिर वो शो में आ जाते हैं, तो इनडायरेक्टली इट इज अ गुड मार्केटिंग टूल फॉर यू टू शोकेस योर टैलेंट। और कई बार ये होता है ना कि आपको एक अच्छा जोक आ गया कॉन्ट्रोवर्सी पे, तो एज आपको भी तो सिस्टम से निकालना होता है ना यार, कि ये देखो मैंने अच्छा जोक मारा, अब मैं इसकी यूटिलिटी नहीं है 1 महीने बाद, तो मैं ट्विटर पे डाल के चलो रिट्वीट ही बटोर के ईगो बूस्ट हो जाएगा, मैंने अच्छा जोक मारा, इट वाज अ प्रोडक्टिव डे टुडे। ये काफी मेरे को लग रही है चीज़ आपने इतनी अडॉप्ट कर ली, कि मतलब ऐसा है क्या, आप पहले थोड़े से रिजिड होते थे क्या कुछ साल पहले और अब बिल्कुल खुल गए? यार बेसिकली वही हो गया ना कि लॉकडाउन से घर पे खाली बैठे थे तो क्या करे आदमी यार, मैं ड्रॉइंग रूम में बैठ के करूँ क्या। पहले ये होता था कि मैं शो के लिए ट्रैवल करता था, मेरे एक शो में 36 घंटे का इन्वेस्टमेंट होता था, मैं अपने घर से सुबह निकलता था एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे फ्लाइट पे बैठ के उस सिटी में लैंड करता था, वहां पे टैक्सी, फिर एयरपोर्ट, फिर होटल, समझ रहा, इतना बड़ा होता था, फिर वो शो तो वही होता था 1 घंटे का, फिर वापस आता था, फिर नींद पूरी नहीं हुई, तो फिर जब आप आते 2 दिन शो करके फ्राइडे सैटरडे संडे तो आपको लगता है मंडे ट्यूसडे तो मैं छुट्टी डिजर्व करता हूँ, तो मेरे को सोशल मीडिया पे जाना ही नहीं है। अभी क्या हो गया कि वो शो तो वही 1 घंटे का है, लेकिन जो आगे पीछे की 24 घंटे की जो ट्रैवलिंग है वो खत्म हो गई ना, खत्म हो गई, तो आप करें क्या घर बैठे बैठे, तो जो भी थॉट्स आते हैं डाल दिए, क्योंकि अभी और कोई वे ही नहीं है टू कनेक्ट टू द आउटर। पहले आपकी आउटर लाइफ चल रही थी ना यार, कि आज मुझे यहाँ जाना है, मैं बरिस्ता में बैठा हूँ, वो बैठा हूँ, तो आप कनेक्ट, अभी सिर्फ फोन पे ही रहते हो। पर तो मेरे को तो इससे लग रहा है कि इससे ऐसा फायदा हो जाएगा कि मान लो आप कह रहे हो कि मार्च तक तो ये चलेगा, पर जैसे आपने ये चीजें क्रैक कर ली, क्या पता मैं वैक्सीन आ गई सब आ गए आप तब भी जूम शोज कर रहे हो, उसकी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या हुआ, जूम शो से जब हम स्टार्ट कर रहे थे मैंने 2 चीजें नोटिस की है। पहला तो ये कि हम इंडिया में जब हम शो करने जाते हैं हम वही 8 मेट्रोस में जाते हैं, हैदराबाद, बेंगलोर, गुड़गांव, बॉम्बे, नोएडा, पुणे, यही 8 जगह। जयपुर नहीं आते क्या? यार जयपुर 2 साल में एक बार आ गए, क्योंकि पता है ना ऑडियंस 100 लोग होगी। अब 100 लोग मुझे लगता है डज इट मेक फाइनेंशियल सेंस फॉर मी, आई वुड रेदर डू, जब सैटरडे संडे ही है मेरे पास, आई वुड रेदर डू अ शो इन बेंगलोर जहाँ पे 400 लोग आते मेरे लिए, देन गो टू जयपुर 100 लोग के लिए शो करूँ।
तो होता क्या था कि जो टीयर टू टीयर थ्री टीयर फोर के जो फैंस है जैसे जयपुर रायपुर जमशेदपुर उनमें नासिक में उनमें मैं जाऊंगा ही नहीं कि मुझे आप लगता है वही जयपुर सौ लोग को आएंगे। किस किस के साथ काफी ऑफेंस नहीं, मैं जयपुर को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं लेगा जयपुर में मेरे फैन बेस को कंपेयर कर रहा हूँ, मेरे इतने लोग आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है बस्सी उनके तो 1,000 लोग आते हैं जयपुर में भी, ऐसा नहीं है। बाकी कॉमिक्स के जो मेरे को अपनी रीच पता है किस सिटी में कितनी थी लॉकडाउन के पहले, है ना, तो अब मेरे को ये होता है कि अगर मैं रायपुर या जाऊंगा जहाँ पे 150 लोग आएंगे तो सैटरडे आई वुड रादर गो टू बैंगलोर एंड डू 400 सीटर। तो हाँ आप हमेशा वो डिसाइड करते हैं कि जाऊं कि नहीं जाऊं। अभी क्या हो गया जूम शो से, आज जहाँ पे मैं सोचू जमशेदपुर जो है जहाँ पे तो 50 लोग ही आएंगे, जहाँ पे मैं नहीं जाता था, तो वहां के फैंस अब मेरा कंटेंट देख पाते जूम शो का टिकट खरीद के, ये तो आने नहीं वाला है तो वो आ गए, मेरे लिए एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू निकल आया। आज कल को मैं वापस एक शो करूंगा, हर महीने एक शो करूंगा कि मैं तो 8 सिटीज में ही आता हूँ, तो जो मेरे टीयर टू टीयर थ्री टीयर फोर के फैंस हैं अगर वो जूम शो पे आना चाहे वो आ सकते हैं, उनके लिए वो मेरा शो देख पाए, मेरे लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गया कि यार मैं सैटरडे को घर पे बैठा था, मैंने 4 बजे का शो कर दिया और मेरा सैटरडे का बॉम्बे का शो तो रात को 8 बजे जो मैं फिजिकल करने जाऊंगा। मैं आज यूएस के शो कर पा रहा हूँ यार, मैं मंडे को सुबह 6:30 बजे यूएस का शो करता हूँ और वहां से भी 50-50 लोग आते हैं, सिंगापुर से लोग जुड़ जाते हैं, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से जुड़ जाते हैं उसी शो में। तो ये मैं जो करता हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बिना वीजा और पासपोर्ट के एनआरआई शोज कर पाऊंगा। एक अब इसमें और थोड़ा डीप जाते हैं, जब आप लाइक व्हेन यू लाइक क्रैक दीज जोक्स या जब भी आप स्टैंड अप करते हो, व्हाट आर योर नो नोस कि यार इस बारे में नहीं बात करेंगे, मेरा एक पर्सनल है कि ये चीजें टच नहीं करनी। देखो मेरा एक तो ये रहता है कि मैं उस पर आता है कि मेरे को अभी 3 साल से कि मेरे को ह्यूमर मैन्युफैक्चर नहीं करना है, मैं जिस स्टेज ऑफ लाइफ पे हूँ मेरी लाइफ में जो चल रहा है, जो मैं ऑलरेडी 80% उनके बारे में सोचता हूँ, मैं होम लोन के बारे में सोचता हूँ, मैं आईपीएल देखता हूँ, मैं शादी में हूँ तो मैं मेरे वाइफ के झगड़ों के बारे में चलता रहता है कुछ ना कुछ, तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं इसी लाइफ से जो मुझे लग रहा है कितना फनी है ये एज एन आउटसाइडर देख के उस इंसिडेंट्स और फिर उसमें अपना क्राफ्ट से जोक्स डाल के अगर मैं वही प्रेजेंट कर पाऊँ तो एक तो मेरे को जोक्स मैन्युफैक्चर नहीं करने पड़ रहे और प्लस मेरा कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है क्योंकि मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ इन चीज़ों में। मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि आईपीएल में हिंदी कमेंट्री में क्या होता है तो वो इमोशन बड़ा ट्रू आता है, तो ये दो चीजें मैंने ये नोटिस की है। क्या क्वेश्चन क्या था वापस? कि कौन से नो नोज हैं आपके? तो देखो यार मैं रियल लाइफ में बड़ा नॉन कॉन्फ्रंटेशनल बंदा हूँ, मैं बहुत फट्टू भी हूँ तो मेरे को कन्फ्रंटेशन पसंद नहीं है रियल लाइफ में भी। मैं बोला यार तू नाराज है सॉरी यार मजाक कर रहा था चलो के, तो एक तो मैं रिलीजन को आई ट्राई टू अवॉइड क्योंकि यार मैंने रियलाइज किया कि तुम्हारा जोक क्या होता है कि जब आप 1.5 घंटे का शो करते हो ना तो 1.5 घंटे में जो लोग लाइव शो देखने आए हुए उनको पता है क्या हो रहा था कि इसने पहले ये जोक मारा था फिर इसने ये इसका कैरेक्टर था स्टेज में फिर इसने 50वें मिनट पे ये जोक मारा था, है ना। लोग क्या होते हैं जब वीडियो में वो 50वें मिनट के जोक को काट के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डाल देते हैं, है ना। अब मैं कहाँ जाके अपनी सफाई दूं, सोशल मीडिया पे जो ट्रायल होता है मैं कहाँ जाके सफाई दूं। तो मैंने देखा अगर आप सेलिब्रिटी हो छोटे लेवल पे भी तो आपको सिर्फ माफी मांगनी पड़ती है, इवन इफ यू आर राइट सॉरी आई अपोलोजाइज, यही है आपका और कुछ नहीं है। तो मैं रिलीजन में घुसता नहीं हूँ कि मुझे मैं सही भी होऊंगा तो मैं सफाई देते देते थक जाऊंगा, लोगों को सुनना ही नहीं है, है ना। दूसरा मैं पॉलिटिकली मेरा इतना स्ट्रांग है नहीं, मेरा बड़ा वो रहता है कि मैं क्राफ्ट दिखाता हूँ कि यार ये बीजेपी पे 2 जोक है, ये आप पे 2 जोक है, ये कांग्रेस पे 2 जोक है, भाई मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं हूँ, मेरा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, मेरे को जो फनी लगता है जहाँ पे मेरी बेटर पंचलाइन में मेरी मोदी जी वर्क कर रही है मैं मोदी जी डाल दूंगा, राहुल गांधी वर्क कर रही है वो डाल दूंगा, शिवसेना पढ़ रही है वो डाल दूंगा, मुझे कोई आई गो फॉर द बेटर जोक। और मैं ये भी क्लियर करता हूँ कि मैं एक पार्टी को पे ही जोक्स नहीं करता हूँ, सारी खिचड़ी कर देता हूँ कि भाई लोग ये नहीं कह रहे कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो कि मैं एनीवेज नहीं कर रहा होता हूँ। यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन आर्टिस्ट कि भाई ये गलत हो रहा है तो इसके बारे में बोलना है वो अपने कॉमेडी के उससे? बिल्कुल बिल्कुल यार मैं बहुत ऊपर ऊपर से बोल के निकलता हूँ, मैं अपनी राइटिंग वैसे रखता हूँ कि जैसे किसी लॉयर ने लिखे इसके जोक्स, ये बहुत सेफ खेल के चलता हूँ कि कोई मेरे पे उंगली नहीं उठा पाए, क्योंकि पर आप टच कर भाई जाते हो। टच करता हूँ मैं मोदी जी अमित शाह जोक स्मार्टली डाल दूंगा कि मैंने अमित शाह जोक लिखा था बट इट मिस्टीरियसली डिसअपीयर्ड फ्रॉम माई लैपटॉप, अब ये बहुत स्मार्टली मैंने बोल दिया सब समझ गए, हाँ लेकिन मैंने तो कुछ नहीं बोला, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैंने ये बोला, तो उसमें आई ऑलवेज अब ये लीव जोक दैट अंदर पॉइंट। से आया या ये जोक आपका था कि यार मतलब मन करा तो मतलब लाइक इसका क्या मैन्युफैक्चर कैसे हुआ ये?
ये मैन्युफैक्चरिंग देखो ट्रूथ तो होता ही यार, बीच में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। देखो हाँ हर पार्टी जहाँ पे भी पावर में होती है थोड़ा अपने आप का मिसयूज तो करती है, जो भी राइट पार्टी जिस भी स्टेट में पावर में। और राइट कई बार फिर आपका भी वो गुस्सा तो आता ही है ना ट्विटर पे, यार ये क्या है यार। लेकिन ट्विटर पे मैं डालूंगा तो बाकी जो दूसरी पार्टी के लोग मुझे अटैक करेंगे। हर पार्टी का अपना आईटी सेल है, और आप सोच रहे हो नहीं भाई मैं ये पॉइंट बोल रहा था, वो एक कीवर्ड पकड़ लेंगे आपके पूरे ट्वीट में और आपकी मार लेंगे। वीडियो में क्या है, मैंने बोला और छोड़ दिया, तुम यूट्यूब कमेंट में डालते रहो ना, मैं ज्यादा दिमाग खराब होगा डिलीट कर दूंगा तुम्हारा कमेंट। और क्या है, अभी मैं जिस स्टेज ऑफ लाइफ पे हूँ, जैसे कामरा बहुत ही स्ट्रांगली वो बिलीव करता है जो, तो मैं उस स्टेज ऑफ लाइफ में हूँ नहीं। मैं कामरा के जोक्स बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ, वो है वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड, वन ऑफ द फनीएस्ट इंडियन पॉलिटिकल सटायरिस्ट में मानता हूँ। हो सकता है मैं एक दो जोक में उसकी आइडियोलॉजी मुझे लगता है यार ये तो तू बहुत हार्श हो रहा है, लेकिन आई विल स्टिल अप्रिशिएट अ गुड जोक कंस्ट्रक्शन कि नहीं यार ये बहुत सही जोक है यार, लेकिन शायद इतना ट्रूथ नहीं है जितना तुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है तू भी थोड़ा सा बायस्ड हो रहा है एक जोक में, ऐसा लग सकता है। लेकिन वो ठीक है यार, वो लोग मेरे लिए भी तो बोल सकते हैं, किसी के लिए भी बोल सकते हैं लोग। एक कौन अगर ऐसे बोलो, लाइक अगर आपको एक नाम बोलना हो जो बहुत ही लेसर नोन है कॉमेडी वाले, जो हमारे इंडियन स्पेस में जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट मोर पीपल शुड नो अबाउट हिम और हर, जो आपको लगता है अपने इंडियन स्पेस में। यार मुझे एक तो सौरव घोष बहुत पसंद है, मुझे पीयूष शर्मा बहुत पसंद है क्योंकि उसकी जोक राइटिंग, और मैं कंटिन्यूसली उसके 10 साल से जैम भी कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यार किस लेवल पे। वो होता है ना कि यार अब इस आर्ट फील्ड में ये है ना कि यार आप टैलेंट सब सही है, लेकिन एक लक कंपोनेंट है, एक लक इज अ गुड कंपोनेंट। जैसे मेरे को लोगों ने ह्यूमरसली और सीजन 1 में डिस्कवर किया, जो कि 3 साल पहले था, व्हेन आई वाज इनटू 7 इयर्स ऑफ माय करियर, है ना। मैं भी 3 साल से ही थोड़ा फेम और ये एंजॉय कर रहा हूँ ज्यादा, कि भाई अभी लोग पहचानते हैं और अभी मेरा काम भी वो है, तो यार ये बड़ा ट्रिकी है। और इंटरनली कॉमिक्स को पता रहता है यार कि यार ये कॉमिक बहुत फनी है, लेकिन अब आप ऐसे कॉमिक ये कर सकते हो ना कि यार चलो मेरे शो में ओपन कर लो, मैं किस तरह क्यों, मेरे को पता है बहुत टैलेंटेड बंदा है, ये कभी भी हो सकता है। हाँ। तो ऐसे सौरव घोष है, अपने फीमेल कॉमिक्स में ऐश्वर्या प्रशस्टी है, सब है, तो यार वही काफी सही। और मैं जैसे कभी कभी सोचता हूँ, मैं मेरे कल कुछ फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कर रहा था, जो सबसे बड़ा पिवोटल पॉइंट आया था कॉमेडी में, इट वाज आई थिंक ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जो सबसे पहले आया था जहाँ से आए थे। बट जैसे आपने बताया, आपने अडेप्ट कर लिया एंड सडनली लाइक आपके सारी चीज़ें लैंड कर रही हैं, हर तरीके से ज़्यादा चीज़ें वर्क कर रही हैं। पर मेरे को याद है कि जब मैं कितने साल हो गए, 8-10 साल पुरानी बात, जब भी लाफ्टर चैलेंज आया था, मेरे को जेन्युइनली फनी लगते थे वो लोग, लाइक एहसान कुरेशी हो गया, राजू श्रीवास्तव हो गया, सुनील भाई। वॉट हैपन टू देम, एंड मतलब कहाँ गलत चले गए, या वो अभी भी चल रहे हैं, लाइक वो इरेलीवेंट हो गए, लाइक उनकी क्या स्टोरी है? देखो ये होता है कि पहले बात तो हमें ये लगता है एज इंडियंस कि अगर ये मुझे दिख रहा है टीवी या यूट्यूब पे तो इसका काम चल रहा है, वरना ये आउट ऑफ वर्क है। तो ऐसा नहीं है, इंडिया बहुत बड़ा है। मैं 3 साल पहले डिस्कवर हुआ हूँ, लेकिन उसके 7 साल में भी पिछले जो 4 साल थे उसमें मैं अच्छा वेल ऑफ कमा रहा था, कॉर्पोरेट शोज कर रहा था, कॉलेज शोज कर रहा था, बस मेरी विजिबिलिटी वो नहीं थी। तो एक तो हमें ये लगता है कि अगर वो मुझे यूट्यूब पे नहीं दिख रहे या मुझे टीवी पे नहीं दिख रहे तो उनका काम नहीं चल रहा, जो कि बहुत ही रॉन्ग परसेप्शन है ना। पहले बात तो ये, आज भी यार जो हमारी ब्रीड ऑफ कॉमिक्स है यूट्यूब वाली, हम तो 8-8 जगह ही कर सकते हैं शोज यार। आज हमें कोई बोल दे कोल्हापुर में आके शो करो, हमारी फटका हाथ में आ जाती कि उस ऑडियंस को मैं समझ भी आऊंगा क्या। आज 10 सिटीज निकाल दो आप, तो जो पूरा बड़ा मार्केट है वो कौन केटर कर रहा है अभी भी? अभी भी लाफ्टर चैलेंज वाले ही जा रहे हैं सब भाई। कोल्हापुर जितना आप इंटीरियर जाओगे, जमशेदपुर में दैनिक भास्कर नाइट हो रही है, वहां कौन कर रहा है केटर? हम तो 8 सिटीज में ही है ना। और मैं अगर रोज भी शो कर रहा हूँ तो भी मैं 365 शो कर सकता हूँ। इंडिया में हर दिन 500 शोज होते हैं, तो कौन कर रहा है वो शोज? आपको एनआरए ऑडियंस का आइडिया भी नहीं है यार। आज राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, ये लोग आपको मालूम भी नहीं है कंट्री एग्जिस्ट करती है, वहां पे देसी नाइट में दिवाली नाइट करके आ चुके हैं 2-2 बार, शायद वो लोग 100 कंट्रीज में परफॉर्म कर चुके हैं, जो मैं आइडिया भी नहीं है। तो आप बोल रहे हो कि हमारी यूट्यूब ऑडियंस पास कितने पैसे, सुपर चैट देने की पैसे उनके पास उनके पास उतने ही पैसे है, उनके पास वो नहीं पैसे है कि 20 लाख रुपए देके राजू श्रीवास्तव को अमेरिका बुलाते। तो वो जो हमारी ऊपर वाली जनरेशन है, आज इतना बड़ा मार्केट को वो केटर कर रहे हैं, जो मैं आइडिया भी नहीं है। तो पहले तो हम ये अपने दिमाग से हम निकालते हैं, है ना। प्लस हम ये कर सकते हैं कि एज अ व्यूअर क्या होता है कि यार 2000, अब वही होता है कि चेंज, जैसे मैं जब 2005-06 में जब आया था लाफ्टर चैलेंज, तब मुझे बेस्ट लगते थे राजू श्रीवास्तव, मुझे लगता था यार ये बंदे ने नया जॉनर इन्वेंट किया है, बहुत फनी थे। हाँ
एक तो यार छोटी छोटी चीजों से ह्यूमर उठाना, प्लस एक नया यूनिवर्स है कि मैं नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सोनिफाई करके भी ह्यूमर कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैं शादी की प्लेट क्या सोच रही है उस पे एक एक्ट एग्जैक्टली प्लेट एग्जैक्टली का, हाँ तो आप सोचो नॉन लिविंग थिंग्स, अब मैं इस कप पे कर सकता हूँ कि कप कितने तरीके के आते हैं, मैं हैंड सैनिटाइजर पे कर सकता हूँ, मैं मोबाइल पे कर सकता हूँ, हर मोबाइल क्या सोच रहा है, उसकी बैटरी क्या सोच रही है, तो ये एक यूनिवर्स खुल गया पूरा जो हमें पता ही नहीं था कि आप कर सकते हो। और होता क्या है कि यार आप एक आर्टिस्ट को जज करते हो 2020 में आके, आप उसके 2006 के कंटेंट को जज कर रहे हो जो कि कितना रॉन्ग है यार। राइट राइट आप उसके 2020 के कंटेंट को जज करो ना 2020 में, मैं 2020 में उसके अगर 2008 के कंटेंट को जज कर रहा हूँ या 2010 के, तो वो 90% ऑफ टाइम्स आउटडेटेड लगेगा कि उस समय ऐसा होता था। एग्जैक्टली क्योंकि मेरे को यहाँ पे अगर मैं एक और एड ऑन करूँ, यहाँ पे एक ना मेरे को एक प्रॉब्लम भी लगती है हमारी जनरेशन के साथ। जैसे एक पिविटल पॉइंट टू आया मेरे हिसाब से, आई माइट बी रॉन्ग, पिविटल पॉइंट टू था कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, जब कपिल हाँ सडनली शूट अप कर गया। पर हमारी जनरेशन में इट्स लाइक अ कूल थिंग टू मेक फन, अरे ये तो फनी नहीं है। पर मेरे को तो यार कपिल तो अभी मैं चाहे नहीं देखता हूँ, बट मेरे को कपिल कभी भी ऐसा नहीं लगा, वो मेरे को हमेशा फनी लगा। मैंने मेरे फ्रेंड से घंटे घंटे बात किए उसके कंटेंट को लेकर। कपिल शर्मा मुझे आज भी फनी लगता है यार। कपिल शर्मा का आज भी बेस्ट क्राउड वर्क शो है वो, जो ऑन द स्पॉट इम्प्रॉम्प्टू हाँ ह्यूमर करता है एग्जैक्टली वो आज भी बहुत फनी है। और आप ये देखो कि आज भी टीवी पे आईपीएल को छोड़ने के बाद में सबसे हाईएस्ट रेटेड शो फॉर ऑलमोस्ट 7 to 8 years इज स्टिल कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, एंड ही हैज दैट क्वालिटी। एंड यू हैव टू, हम लोग जैसे आर्टिस्ट हाँ लोग, हम पूरे साल में मुश्किल से 45 मिनट्स कंटेंट देते हैं अपना। कपिल हर वीक 1 घंटा दे रहा है फॉर लास्ट 8 ईयर्स, तो द कंपेरिजन इज सो स्क्यूड यार। हाँ आप समझ रहे हो, आपने 50 सेंचुरी मार दी, उसके बाद में 50 के बाद में अगली 100 सेंचुरी, हाँ ठीक है तो हर बार ही मारता है सेंचुरी है ना, क्योंकि ये तो हर बार ही, लेकिन अभी 2 बार डक हो गया भाई, और ये अभी रिटायर तो नहीं होना चाहिए यार। हमारा साल का जो कंटेंट है वो महीने में 1 वीक में दे रहा है, और आज भी वो इतना फनी है क्राउड वर्क एग्जैक्टली शो करना। और टीवी के कंस्ट्रेंट्स आपको पता है, वहां पे आप किसी पॉलिटिशियन, किसी क्रिकेटर का नाम नहीं ले सकते, किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी कंपिटेटिव नेटवर्क का नाम नहीं ले सकते। आज आप ये सब चीजें डाल दो यूट्यूब कंटेंट में, हमारा 10% ऑफ कंटेंट भी नहीं बचेगा बिल्कुल यहाँ पे। आधी ना गालियां दे सकते हो टीवी पे, ना आप किसी ब्रांड का नाम ले सकते हो, लीगल नोटिस आ जाएगा, ना आप किसी पॉलिटिशियन, ना कंट्रोवर्सी को छू सकते हो डायरेक्टली। तो 90% ऑफ द टीवी यूट्यूब कॉमेडी तो यही है। इट इज वेरी फैशनेबल टू से अबे यार इंडिया में क्या कॉमेडी चली, बाहर की देखो यार, बाहर में वो ट्रम्प को आके डिक हेड बोल देते हैं, वहां के न्यूज जर्नलिस्ट टॉक शो वाले उसको स्टूपिड डोंकी, यहाँ बोल सकते हो क्या, यहाँ बोल सकते हो ये चीजें? तो आप वहां के टॉक शो को कंपेयर करोगे यहाँ के टॉक शो से, और आप देख तो रहे नहीं हो कंडीशंस क्या है यहाँ पे। बैटिंग फ्रेंडली क्रिकेट चल रहा है उधर, बैट्समैन नहीं पैराडाइज बना हुआ है, जो हाँ मर्जी आए जो मारो। यहाँ पे नहीं साला पिच फिरोज कोटला वाला हो रहा है कि पिच पता नहीं यूं घूम जाए वहां घूम जाए, फटाफट लाइट्स चली गई, बारिश आ रही है, तो यार कितना अनफेयर है यार। हाउ सीरियसली डू यू टेक योरसेल्फ एज एन एक्टर? यार मैं एज एन एक्टर काफी अच्छी एक्टिंग करता हूँ, और मैं शुरू में जब 2008, नहीं मेरे को पता है कि मैंने सारे कमेंट्स पढ़े ह्यूमरस लियोस वेब सीरीज का ना, तो और शुरू में मैं जैसे जब टीवीएफ स्टार्ट हुआ था 2008-9-10 में, अरुणाभ जब आईआईटी में थे तो वो मेरे रूम पे ही रहते थे जब वो केजीपी, उनके पास पैसे नहीं थे बाहर रूम लेने के, और तब उनकी सारी शॉर्ट फिल्म में लीड हीरो मैं ही था, तो मैं भी एक्टिंग ही करना चाहता था, मतलब बनने मैं भी शाहरुख खान ही आया था, वो तो हालातों ने मुझे सुनील पाल बना दिया ठीक है। तो सपने ये यूज करना कहिए, ये काफी अच्छा हाँ लाफ्टर ये अगले शो में मैं डालूंगा, अगले जूम शो में मेरे पास रिकॉर्डिंग आ भी गई। तो उसके बाद में क्या हुआ यार, मैंने देखा है, मैं थिएटर कर रहा था यार, और बहुत टफ जॉब है यार थिएटर। मैंने ये नोटिस किया कि यार मेरे कंट्रोल में नहीं है कुछ, मैं साला जॉब छोड़ के बैठा हुआ हूँ, बाकी लोग कॉर्पोरेट के साथ करते कि सैटरडे संडे आ जाएंगे एक्टिंग करने, तो मैं सैटरडे संडे रिहर्सल होगी तब भी जब सामने वाला आएगा तो रिहर्सल होगी, वरना बैठे रहो हाँ है ना। फिर वो प्ले बनेगा, फिर वो प्ले बहुत अच्छा होगा, फिर उस प्ले में मेरा कैरेक्टर अच्छा होगा, तो हाँ ऐसे में मैं कब तो नोटिस होऊंगा। फिर मैंने देखा क्या पिछले 12-13 साल में हाँ किसी को भी एज एन ऑडियंस मैंने थिएटर से जाना है क्या? तो मेरा आंसर था नहीं। एज एन इंडियन ऑडियंस आज भी मेरी मेंटेलिटी ये है कि नसरुद्दीन शाह का प्ले देखने जाते हैं है ना, रजत कपूर का प्ले देखने जाते हैं है ना, मानव कौल का प्ले देखने जाते हैं, जिनको मैंने मूवीज में डिस्कवर करके जा रहा हूँ। वो अपने उस छोटे से इकोसिस्टम में वो स्टार होंगे पहले से थिएटर वर्ल्ड में, लेकिन जो व्यूअर है
वो तो आज ही वैसे ही आ रहा ना कि यार ये रणदीप हुड्डा का प्ले देखते हैं, चलो शबाना आजमी का प्ले देखते हैं, अनुपम खेर का प्ले देखते हैं। तो यार मैंने देखा जब 13वें साल में ऐसा नहीं हुआ, तो मैं कोई ऐसा तो बहुत अच्छा एक्टर हूं नहीं, और मेरे पास 14 साल है नहीं, ठीक है, मेरे पास ये बदमाश का टाइम नहीं है अभी, ठीक है। तो फिर मैंने नोटिस किया कि यार मैं प्लेज भी फनी वाले ही करता था, तो साले 3 साल तो ये लाइट लाइट सी करवाते हैं 3 साल तो पहले कि पीछे खड़े रहो, क्योंकि वो जो बाकी के स्ट्रगल कर रहे हैं उनका अब टाइम आया स्टेज पे आने का। तो उससे से मैं बाई चांस कॉमेडी स्टोर 2010 में, कॉमेडी स्टोर लंदन की चेन बॉम्बे में आई थी, तो वो इंडियन ऑडिशंस कर रहे थे और मैं फनी प्लेज ही करता था। दोस्त ने बोला यार तू फनी इसी प्ले को जितना स्टैंड अप में करने करता करके कर ले, और मैं जाकर ऑडिशन देकर आया, मेरा हो गया। तो वहां से शोज चालू हुए धीरे धीरे, मैं वो करता रहा कि बड़ा मजा आता है यार, वहां पे इंस्टेंट फीडबैक, अभी जोक मारा अभी लोग हंसे, साला थिएटर में मूवी में पहले तो शॉर्ट फिल्म बनेगी, वो कब तो रिलीज होगी, जब तक वो होता है आप इमोशनली बिल्कुल डिटैच होते हो कि मैंने 2 महीने पहले मेहनत की थी और अब रिलीज हो रही है ना, अब भी लोगों को पसंद आएगी, तब तक मैं किसी और प्रोजेक्ट में तो मेरे को झाटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और नहीं पसंद आई तो लगता है 2 महीने वेस्ट हो गए। यहाँ पे मेरे को लगा ये तो कोकेन ड्रग है यार स्टेज, मैंने जोक मारा 20 सेकंड में और लाफ्टर इंस्टेंट फीडबैक और बिल्कुल अल्फा मेल कह रहे, और वन मैन पार्टी वन मैन शो है, तो हीरो भी मैं और जीरो भी मैं, थिएटर में सारा प्ले भी अच्छा हो तो आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा, अरे ये इसकी एक्टिंग बेस्ट थी, अरे मेरी, अरे पता नहीं ये तो नोटिस ही नहीं किया था, ठीक ठाक ही था। यहाँ पे क्या वो 30 मिनट या 1 घंटा मेरा है भाई, या तो मैं हीरो हूं या मैं जीरो हूं, बात खत्म। तो मुझे ये बड़ा एक्साइट किया यार कि यार इंस्टेंट है जजमेंट, यहाँ पे फास्ट ट्रैक है ना, मैकडोनल्ड्स है ये। आपका पहला लाफ्टर कब आया था, लाइक व्हेन डिड यू, जो आपको याद है कि यार ये लाफ्टर मेरे को बहुत, मेरे को लगता है कि याद है जो आपको कोई। यार पहला मैंने इंडियन गॉड्स वाला ही किया था, स्टैंड अप एक था जो मैंने अभी हटा दिया है क्योंकि वापस बैकलैश अभी नहीं कर सकते वो जोक्स। और मुझे अभी FIR, इस वक्त मुझे FIR हो जाए और मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना और वहां से कोरोना लेके आ जाऊं मैं, मेरे को ये डर था, तो मैंने वीडियो हटा दिया कि भाई ये नहीं। तो पहला वही किया था बेटा, और तब लोग हंसे थे, और कॉमेडी स्टोर जो था वो क्लब इतना सही है ना, वो क्लब इतनी उसकी सिटिंग जो है स्टेज वाइज और अकोस्टिक्स इतने वेल डिजाइंड है फॉर लाफ्टर, क्योंकि कॉमेडी स्टोर लंदन तो 50 साल पुराना है यार, शायद 30-40 साल, वहां पे तो पूरा एक एक, तो यार वहां पे वो लाफ मिली थी पहली बार, तो लगा अरे यार क्या सही है। कोई तो बचपन का लाफ्टर याद है आपको कि यार जब ऐसे स्कूल वूल में कोई? बचपन नहीं, नहीं बचपन में मैं 9th-10th में मैंने सुरेंद्र शर्मा की सारी कैसेट्स बाय हार्ट थी मेरे को, पापा खरीद के लाए थे सुरेंद्र शर्मा की 4 लाइना करके, और मैं हर फंक्शन में रिलेटिव्स को घर में रात को लाइट गई, लाइट बढ़ जाती राजस्थान में, मैं भी राजस्थान से ही हूँ, जोधपुर के पास गाँव है, तो लाइट गई तो सब लोग बैठ गए चौक में क्या करे, तो मैं वही सुरेंद्र शर्मा की जोक्स, घर वाले हंस रहे सही है, तो वो मुझे बिल्कुल क्लियरली याद है, सुरेंद्र शर्मा की 3-4 कैसेटें थी जो मुझे बाय हार्ट थी, और मैं हर जगह बस वही करता था रिलेटिव्स में ये वो, मेरे को बोलते थे अरे चालू हो जा, तो मैं सुनाता था वो मेरा फर्स्ट अटेंशन सीकिंग या अटेंशन वो मुझे मिलता था, बोला ये बड़ा सही है, काफी सही, कभी सोचा नहीं था मैंने, अभी मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है म्यूजिक किस टाइप का पसंद है आपको? यार आजकल तो मेरे को बेस्ट अमित त्रिवेदी में सुनता हूँ, पता नहीं अमित त्रिवेदी का म्यूजिक सुन के से इंस्पिरेशन हो जाता है, मैं बैठा होता तो मन करता खड़ा होके भागने चले जाऊं, कुछ करूं, मतलब ऐसा लगता है कि अब दुनिया की कोई फेवरेट एल्बम है अमित त्रिवेदी, देवडी की पूरी एल्बम ठीक है, तो उसमें ऐसा लगता है ना कि मतलब पता नहीं ऐसी फील आती है कुछ तो करना है, मतलब अब बहुत हो गया दुनिया का, अब मैं नहीं सोऊंगा, अब मैं आ रहा हूँ दुनिया ऐसे वाली फील आती है, मतलब एकदम से मैं बैठा हुआ था मोशन में होने का मन करता है फिजिकली कि कुछ करना है अब। और व्हेन इट कम्स टू लाइक स्टैंड अप कॉमेडी, बाहर के कोई यहाँ के कोई जो आप ऐसे स्टडी के लिए देखते हो? यार मैंने फर्स्ट टाइम जब सीखा था साइनफील्ड से सीखा था, जब हम कॉलेज में थर्ड ईयर में थे 2006-07, और साइनफील्ड मुझे लगता उनका भी यही था कि जैसे राजू श्रीवास्तव मुझे इंडिया के साइनफील्ड लगते हैं, कि बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से जोक्स करना, और वो बिल्कुल क्लीन करते थे ना, गाली गलौज कुछ नहीं, इस कंस्टेंट्स में ऑपरेट करते थे जब बाकी सब फक फक सक डेक ही चल रहा था उधर। तो मुझे लगा यार, और फिर साइनफील्ड का तो शो ही इतना बड़ा हिट था, तो साइनफील्ड वॉज द फर्स्ट इन्फ्लुएंस जो मैंने सीखा। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि वो स्पार्क नहीं, क्योंकि यार मैं वही बोलता हूँ ना, ही डिफाइंड अ जॉनर, ही ओपन अ न्यू जॉनर, और आप उसको अभी 2020 में जज कर रहे हो 1990 के ह्यूमर से, तो बहुत अनफेयर है। जैसे अभी जो उनका स्पेशल है मुझे भी उसमें उनके 40% जो उसमें मजा आया, यार थोड़ा मुझे लगा अपडेट हो सकते थे, लेकिन यार वो अपने स्टेज ऑफ लाइफ में है वो जो भी है ना। तो लेकिन अभी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है बाहर के, वो बिल बर,
डरता ही बिलबर नहीं है की वो रैंट्स। बंदा। और यार ये जो पेपर टाइगर स्पेशल आया नेटफ्लिक्स पे, आप लोग देखना, मजा ही आ गया यार। जो उसने लिया है पूरा कैंसल कल्चर पे जो चल रहा था अरे पूरा, उस पे मजा आ गया। और बिल बर उसके जो रैंट्स, मुझे उसकी आवाज ही बहुत पसंद है यार। मुझे लगता है अरे कि अगर बिल बर एक कैसेट निकाले ना हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, तो भी मैं खरीद लूंगा। मुझे उसकी आवाज ही इतनी पसंद है यार। बाकी जिम गैफिगन जिम मुझे बहुत गैफिगन। पसंद है, वो ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर करते हैं और उनकी हर लाइन में पंच होता है। मतलब फिर अपने जिम जेफरीज, डेव शपेल, ऑल टाइम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो यही यार, जो भी सारे नाम सुने हुए होंगे वही सब मैं देखता हूँ थोड़ा बहुत। थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा जो कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। मूवीज किस टाइप की पसंद है? नॉट नेसेसरीली कोई बहुत डीप सीन, इन जनरल जो आपको देखने का शौक हो। यार मूवीज में लाइट हार्टेड ही देखते हैं, कोई हाईली रिकमेंड करता है। जैसे मैंने लास्ट थिएटर में तो जोकर देखी थी, तो मजा ही आ गया था यार उसमें तो, क्या परफॉर्मेंस अक्षय था। वाली है अभी? अच्छा ये वाली ना। नई हॉलीवुड वाली। वाली, हॉलीवुड वाली, हॉलीवुड वाली। हाँ। तो वो तो बहुत ही सही थी। मैं वो एक्टर का नाम बोलने वाला था लेकिन मुझे याद आया मुझे प्रोनाउंसिएशन आता नहीं है। ओआकिन फिनिक्स है उसमें, मैं ओआकिन जे से नाम है और ऐसा कुछ एक्चुअली डॉक्यूमेंट्रीज बहुत देखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो सच हाँ। है। नाइस। डॉक्यूमेंट्री मुझे लग रहा है कि यार ये मैनिपुलेटेड भी है, तो 60% तो सच है कि ये इंसिडेंट हुआ था और उस पर ये उस टेक है, या पर ये है ना। तो मुझे क्योंकि यार, क्योंकि मैं राइटिंग फील्ड में हूँ ना, अभी टीवीएफ में भी हम काम करते हैं, तो मुझे पता है कि यार जो एक डिजायर्ड इमोशन है ऑडियंस का, वो मैनिपुलेट किया है राइटर ने कि मैं जनता को ऐसा फील कराना चाहता हूँ। ये रियलिटी नहीं है, वहां सुट्टा फूक के 3 एंडिंग पे बाउंसिंग हुई है कि ये एंडिंग बेस्ट में मजा आएगा लोगों को। तो मुझे लगता है कि यार वो डिजाइंड है मैं ऐसा फील करूं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सब झूठ है यार, ये बनावटी है, लोगों को ये अच्छा लगेगा। इसलिए मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ कि मुझे पता है ये सच है, ये हुआ है, इसको 30% इन्होंने मैनिपुलेट किया होगा, लेकिन ये इंसिडेंट हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है ना। क्राउन में डायना, ये जो कंट्रोवर्सी हुई है इस पे डॉक्यूमेंट्री, हो सकता है उन्होंने इसका एंगल कम दिखाया, इसका एंगल ज्यादा दिखाया, वो ठीक है, वो डिबेटेबल है ना। इन्होंने ये एक दिखाया कि इसका एक ब्लैक बंदे का ये मर्डर हुआ, इस पर डॉक्यूमेंट्री है, तो वो मर्डर हुआ है, वो उस जेल में था। राइट। तो मुझे लगता है वो फक, ये तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को कम चुतिया बनाया जा रहा है अब। क्योंकि तो अब जो अपनी जो बायोपिक्स बनती है यार, जो बॉलीवुड बायोपिक्स बनाता है, इतना झूठ यार, इतना के मतलब डांस सीक्वेंस भी चल रहे हैं कि आपका बायोपिक में वो रनर है, वो डांसर भी बढ़िया हो गया, वो गाने भी गा रहा है, उसके सारे इंसिडेंट ही वैसे हो रहे हैं, उसको हर कोई हेट ही कर रहा है। मतलब तो वो तो बिल्कुल ही झूठ लगता है मेरे को यार। कि मतलब मैं भी, हर आर्टिस्ट एक लेवल पे तो अपनी ऑडियंस को चुतिया बनाए रहा है ना, क्योंकि उसको पता है कि मुझे ये इमोशन अपनी ऑडियंस से चाहिए। मुझे पता है कि अगर मैं ये पॉलिटिकल बात बोलूंगा तो उनको मजा आएगा, हाँ। और मुझे पता है मैंने अगर पॉलिटिकल बात ये बोल दी जो मुझे पता है मेरी ऑडियंस को नहीं सुननी है, तो पिन ड्रॉप साइलेंस आ जाएगा शो में, है राइट राइट राइट। ना। तो मुझे लगता है कि ये मैनिपुलेशन है आर्टिस्ट करता है अपनी ऑडियंस के साथ में। आपको पता है मैं 4-5 साल पहले मैं भी एक बार यहाँ बॉम्बे में वो करने गया था, ओपन माइक किया था। पहली बार किया था तो एक एक लाफ्टर आया था, और मतलब ऐसा हो गया था कि फक ऐसे तो कर ही नहीं सकता। अगले दिन मैंने जाके वापस किया था, तब 2 लाफ्टर आए थे पूरे में। पर आपको बताओ तो प्रेमाइज बताओ क्या था, मतलब काफ़ी अच्छा। मैंने बट बस अगर ये 1 और 2 लाफ्टर आए तो ये तो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है यार। है अरे आप ये मान के चलोगे 2 साल तक कोई नहीं हंसेगा, बस मेरे को बेशरम होके अपना ईगो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अलमारी में छोड़ के आना है, दैट्स इट। आप जो भी इसको अपना आइडल मानते हो, उन सबका यही प्रोसेस है यार। 2 साल तक कोई नहीं हंसता यार, आप करते रहो, हंसे तो बेटर, लेकिन नहीं हंसे तो कोई बात नहीं। क्योंकि पहले तो वो शर्म और वो बेशरम होना पड़ेगा यार, कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो घर में छोड़ के आना पड़ेगा। ये जॉब, इट इज द ओनली जॉब। जैसे अगर मैं नया गाना बना रहा हूं तो मैं अपने स्टूडियो में दोस्तों के बैठ के मैंने बना दिया और मैंने रिलीज कर दिया, है ना। दिस इज द ओनली आर्ट फॉर्म जिसमें मैं जब नया जोक लिखता हूं उसको टेस्ट करने के लिए भी मुझे एक ऑडियंस चाहिए। तो जब मैं उसको पहली बार टेस्ट कर रहा हूं तो मैं फेल ही होऊंगा, वो नहीं चलेंगे। अगर मैं शुरू में 10 नए जोक्स करूंगा, आज भी 4 ही चलते हैं आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ इन द फील्ड, आज भी 60% मेरे को पता नहीं होता कि देखना पड़ेगा। तो इट इज द ओनली आर्ट फॉर्म के मुझे प्रैक्टिस कर रहा हूं तब भी लोग चाहिए। तो आज भी हम ओपन माइक में फेल ही होते हैं। हाँ बता, तेरा क्या था प्रीमिस? प्रेमाइस बता दो आपका। मैंने अब इस पर शॉर्ट फिल्म बना ली, क्योंकि मेरे को लगा भाई स्टैंड अप तो हो नहीं सकती, रिलीज़ नहीं किया अभी तक। तो बेसिकली मेरी लाइफ की स्टोरी है, पापा डॉक्टर है। स्कूल जब मैं जाता था ना, तो घर पे गाड़ी नहीं होती थी, तो पापा एम्बुलेंस में मेरे को स्कूल भेजते थे। ये तो सही प्रीमिस।
तो बेसिकली ना मैं जब भी ड्राइवर होता था उसको 2 गली पहले उतारने के लिए बोलता था, ठीक है, और ऐसे तो हमेशा ऐसे बोलता था, अरे वो आ गया, मरीज आ गया, मरीज आ गया। एंड मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड को भी एम्बुलेंस में लेके जाना होता था, तो ब्रेकअप भी एक हाँ बार इसलिए हो गया कि मतलब कहीं ऐसे कैफे कॉफी डेट टाइप जा रहे हो और एम्बुलेंस में जा रहे हैं तो वो भी ऐसे हो जाती थी, नहीं यार एम्बुलेंस में नहीं जा सकते। और तो पर अरे मैं सोच रहा वो रेस्टोरेंट का वेटर क्या सोचता होगा कि इनके घर में दादाजी ने एम्बुलेंस बुलाई होगी घर पे कि हार्ट अटैक आ रहा है और ये यहाँ पे डेट मारने पड़े एम्बुलेंस यही मिल गई। और एम्बुलेंस के फायदे ही आपको सीट बेल्ट वगैरह नहीं पहननी होती, आपको रोकेगा नहीं कोई पुलिस वाला। मैं हाँ वो तो यही है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार वो जो बंदा जो इस वक्त एम्बुलेंस को कॉल कर रहा है उसको पता चल जाए एक एम्बुलेंस इसलिए रुकी हुई है क्योंकि डॉक्टर साहब का बेटा डेट में है। तो ये ये बहुत अच्छा प्रेमिस है यार, हाँ, अरे ये बना बहुत दी अच्छा मैंने प्रेमिस है। इसका, कितना इस पे तो मैंने हाँ ये पूरी बहुत पिक्चर बना दी यार, सही, आपको अभी रिलीज करूंगा, क्योंकि तब तो मेरे को लगा बहुत यार सही। इतना मेरे लाइफ का इंपॉर्टेंट मोमेंट है, कोई लाफ्टर ही नहीं आया। निधि मैम भी थी, मेरे को याद है, तब निधि मैम भी गई थी तब, तो तब शायद मैंने जैसे सुनाया था, निधि मैम ने मेरे को बताया कि कोई रिलेट ही नहीं कर पाया कि तेरे घर पे मारुति होती थी, तू एम्बुलेंस से जाता था। तो वही है कि यार तू ऐसे भी बता रहे, तेरे घर पे गाड़ी भी थी और फिर तू एम्बुलेंस में जाता था, तब मेरे को गलती है समझ में, अच्छा तो अभी लाफ्टर लिया है। आप क्या यार ऐड वो ऐसा करोगे, होता है आप क्या ना ऐड करोगे इसमें? यार, मैं देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेमिस है कि एक बच्चा एम्बुलेंस में ड्रॉप हो रहा है यार। मैं अभी इसमें 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू होंगे कि पहले तो वो एम्बुलेंस वाले का कि यार इसको डॉक्टर साहब ने क्या बना रखा है यार। और तू सोच ना, तू ये सोच तेरे को एम्बुलेंस से स्कूल को ड्रॉप करने के बाद में शायद मम्मी उसमें सब्जी लेने भी जाती हो। तो अब जो जो देख रहा है कि यार ये क्या चल रहा है, क्या हाँ इसमें कितने POVs इंपॉर्टेंट। एक तो स्कूल के बच्चे साइड देख यार ये कौन है यार एम्बुलेंस में आ रहा है ना। काफी बच्चों को तो ये लगता होगा शायद एम्बुलेंस नहीं टेम्पो ट्रेवलर है कि ये कितना अमीर है यार। माँ का एक डाला था मैंने कि यार मैं तो किट्टी पार्टी में डालती हूँ, मुझे तो कोई नहीं मैं, तो तू इतना क्यों एम्बेरस होता है, घर की गाड़ी है, थोड़ा प्राइड लो इस पे। तो आइडेंटिटी इशूज है बच्चे को उसमें यार, कि मतलब यार घर पे एक बाइक वाइक ले लेते हैं पापा, और पापा कह रहे हैं क्या मतलब। तुझे यार मैं यार तुझे 4-व्हीलर दे रहा हूँ, तुझे अभी भी बाइक ही चाहिए। तो करता हूँ इस पे मैं एक और, आपको दिखाऊंगा, ये बनाया तो है मैंने कुछ, कोई पॉइंट रह गया हो पक्का जो जो मैंने नहीं पूछा हो, लेकिन कुछ आप एंड में बोलना चाहें, एनीथिंग दैट लाइक मैं। मेरे ख्याल से मैंने वैसे ही हर क्वेश्चन के ऐसे टाइप आंसर दिए हैं। वैसे ही कुछ लोगों को लगेगा कि यार इंटरव्यूअर को तो पूछने भी नहीं दे रहा तो चलो थैंक यू सो मच विपुल सर ये करने के लिए यार, अब बड़ा मजा आया मेरे को तो, मतलब दिस इज आई थिंक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट फन कन्वर्सेशंस अभी तक जो चार हुए हैं जिनमें से, क्योंकि बाकी में मेरे को मुझे लगता टाइम है तू तो शायद हर इंटरव्यू के एंड में यही बोलता होगा। नहीं, अरे इसमें देखो सब कुछ चेंज हो गया मेरा, मेरे पास अब अच्छा नोट्स भी नहीं है मेरे पास, मैं ऊपर बैठा, अब तो सब इम्प्रोव है। ना, हाँ अच्छा है ना, कॉमेडियन का इंटरव्यू और इम्प्रोवाइज करना पड़ा है तो बहुत सही है। बिल्कुल हाँ, मैं एक पिक्चर की बातें कर रहा हूँ, नीली बत्ती की बातें कर रहा हूँ, सही है, बट काफी मजा आया एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। और वो फिल्म मुझे भेजना है यार, मेरे को प्रेमिस बहुत सही लग रहा है वो, सही है उसमें सही 5 मिनट है का प्रॉपर स्टैंड अप बन सकता है यार, बहुत सही है। मैं सोच रहा हूँ हाँ। तेरे को अगर ये बोलना पड़े कि मैम मैं स्कूल नहीं आ सकता बीमार हूं, तो बोलते कोई बात नहीं एम्बुलेंस में आ जाओ। मतलब एक तो हमारे यहाँ डॉक्टर अंकल्स का वैसे यूज होता है, एक तो हर अब देखना हर पापा के ग्रुप में एक डॉक्टर अंकल होते हैं है ना। वो लोग को लगता है फ्री में हमें फिजियो मिल गया है, एक साहब भी दांत का क्या करना है इसका क्या करना है, उनको कोई पैसे नहीं देता, उनको बस ये होता है कि धनतेरस पे उनके घर में बादाम भेज देते हैं यार। हाँ, और मोस्टली डॉक्टर भी यही बोलेगा पैरासीटामोल खा लो तो बाद हाँ में या तो पैरासीटामोल या वो अजिथ्रोमाइसिन। मेरे सही को कभी कभी लगता है इसमें भी तो जोक होता है, जो बोली है, जो धुन है एक वर्ड की, अब अजिथ्रोमाइसिन में एक जोक है क्योंकि बोलने में ही फनी है। हाँ कुछ वर्ड्स होते हैं जो वोकली फनी होते हैं, हाँ जैसे अभी जिंगा लाला, झिंगा लाला ये बोलने में सुनने में फनी। अभी इसको तो कहीं पंच लाइन में चिखाएगा टिकाएगा तो वो आएगा, क्योंकि इट हैज पता नहीं सर्टेन कुछ वर्ड्स की रिदम होती है। हाँ, अगर मैं बोलूँ कि यार नहीं विक्स लगा ले, तो विक्स लगा ले पे जोक नहीं आएगा, अजिथ्रोमाइसिन खा ले उस पे जोक आएगा। हाँ वो अजीत तो मैसेज से कैसे लग रहा है कि विक्स ने MBA किया है वो हाँ, कैसी फील आएगी, MBA डिग्री लेके आया विक्स। काफी सही काफी सही।